भागलपुर में एक अनोखी शादी हुई है। प्रेमी अपने प्रेमिका को शादी के जोड़े में बाइक से भगाकर वाराणसी से भागलपुर लाया और हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई है। ऐसी नौबत तब आई जब दो बार शादी की तारीख पर घर में अप्रिय घटना हो गई। लड़की वाले शादी से तब इनकार करने लगे थे, लेकिन सुना है प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। इसे सिद्ध कर दिया है दो प्यार करने वाले जोड़ी ने। मम्मी पैसा मांगने के लिए बोलती थी इससे। क्या बोलती थी? पैसा मांगो तो उसी पैसे शादी करेंगे, तो तुम्हारी शादी कभी नहीं कराएंगे। हम पैसा मांगने नहीं चाहते थे इससे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो टॉर्चर करने लगी घर में। खाना भी खाने के लिए नहीं देती थी, बोलती थी चले जा तुम घर से। इसलिए हम इसको फोन करके बोले कि हम न रहेंगे यहाँ, उनको लेने के लिए आई है। तो ये बोले हम आएंगे, बोले मुगल सराय हम आ जाते, वहाँ से आके आप हमको आइए लेने के लिए। तो ये आए हमको लेने के लिए बाइक से लेकर आए। कैसे लेकर आए? बाइक से मुगल सराय आप कैसे आए? ट्रेन से? ऑटो से। मुगल सराय ऑटो से आए? हाँ। और उसके बाद? बाइक से। इनके साथ बाइक से बैठ के भागलपुर आए, यहाँ शादी आप लोग कर लेना। हाँ। क्या चाहती हैं? अच्छे से रहना चाहते, खुशी से चाहते कि मम्मी हमको परेशान ना करे। अभी भी आज से दो ढाई महीना पहले हमारी शादी, दोनों के हमारी मम्मी और इनकी मम्मी मिलकर शादी फिक्स किए थे, और इसके दौरान शादी फिक्स होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात करने लगे, और इसके दौरान वो जो फ़ोन इसकी मम्मी की थी वो बोली कि अब हम अपने फ़ोन से बात ज़्यादा देर नहीं करा सकते हैं, तो हम इनको अपना फ़ोन दिए खरीद के, और हम लोग आपस में बात करने लगे। वो पहले अपने मौसी के घर मुंगेर में रहती थी, यहाँ जमालपुर में, उसके बाद जहाँ रहती है बनारस, रूम लेके वहाँ चली गई। फिर वहाँ पे भी हम लोग अच्छे से बात किए एक महीने तक। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनकी मम्मी बोली कि अब शादी नहीं होगा। अब क्या वजह है ये तो हम उतना भी नहीं जानते हैं, ये दोनों के माँ बेटी की बात है। झगड़ा करके ये बोली कि नहीं हमको आपके पास जाना है, तो हम बोले उधर से आओ, अगर कहाँ हमको पता नहीं उतना, तो ये उधर से आई तो बोले मुगल सराय में तक हम आएंगे, तो हम इधर से मोटरसाइकिल से गए और इनको लेकर आए। मुगल सराय से मोटरसाइकिल से लेकर जी शादी कर लिए। हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या हम लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि अब हमारे पे कोई दबाव ना आए, और कोई इनके मम्मी की तरफ से जैसे पुलिस केस और कुछ कोई करे ना, हम लोगों को सुरक्षा मिले, और इनके साथ रहना चाहते हैं। भागलपुर जिले के बड़ी खंजरपुर निवासी बच्चों ताती के पुत्र नवल किशोर और वाराणसी के सरयू प्रसाद की पुत्री मनीषा कुमारी अनोखे तरीके से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। गौरतलब है कि इन दोनों की शादी तकरीबन एक साल पहले लगी हुई थी। शादी के पहले ही जितनी प्रक्रिया होती है वो दोनों परिवार वाले पूरे कर चुके थे। शादी होने के कुछ दिन पहले लड़का पक्ष के परिवार में किसी के साथ अप्रिय घटना हो जाने से शादी की तिथि आगे बढ़ गई। पुनः दूसरी तिथि आने पर फिर किसी तरह की अप्रिय घटना घटित हो गई। इसके बाद लड़की वाले अपनी शादी भागलपुर के रहने वाले नवल किशोर से नहीं करना चाह रहे थे। उन लोगों की सोच थी कि शादी लगने के बाद से इतनी घटना घटित होना ठीक नहीं है, यह शुभ संकेत नहीं है, इसलिए लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल वीडियो कॉल पर दोनों के बीच प्यार हुआ था, धीरे धीरे वह प्यार अरेंज मैरिज की तरफ बदल गया। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाने की स्थिति में थे। लड़का पक्ष वाले के मना करने के बाद लड़की मानने को तैयार नहीं थी, और लड़की की शादी 6 फरवरी को होनी थी। कहावत है कि जोड़ी ऊपर वाले बनाकर ही भेजते हैं, ऐसा ही कुछ वाकया इन दोनों प्रेमी जोड़ों के साथ हुआ। भागलपुर के बड़ी खंजरपुर निवासी बच्चों ताती का पुत्र नवल किशोर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और सीधे पहुंच गया वाराणसी। वहां लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठाकर दोनों शादी के जोड़े में वापस भागलपुर पहुंच गए और हिंदू रीति रिवाज से भगवान को साक्षी मानकर मंदिर में देर रात शादी कर ली। शादी के दौरान लड़के पक्ष की ओर से सभी थे, लेकिन लड़की पक्ष की ओर से कोई नहीं था। बनारस की रहने वाली मनीषा ने कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है और इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। भागलपुर में बड़ी खंजरपुर के रहने वाले छल मिस्त्री नवल किशोर ने कहा कि हम दोनों एक दूजे के लिए हैं और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं वाराणसी मोटरसाइकिल से जाकर उसे भागलपुर अपने घर के पास मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी किया हूँ। नियमानुसार दोनों बालिग और कोर्ट मैरिज भी करेंगे। लड़के वाले हंसी खुशी पर वधु को अपने घर ले गए। आप दोनों शादी कर लिए है ना? चलिए। हाँ, आप अपना नाम बताइए तो। नवल किशोर। नवल किशोर। पिताजी का? आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। पिताजी?
सर, ये श्री सरयू प्रसाद। आपका नाम क्या बताएं फिर से बोलिए तो? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी, चलिए आप दोनों शादी कर लिए। आप दोनों शादी अपने मर्जी से किए हैं? जी।